मित्रों, कांग्रेस उपाध्यक्ष, भारतीय राजनीति के 46 वर्षीय चिर युवा श्री राहुल गांधी जी के द्वारा आज उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए जो कुछ भी कहा गया है उस पर हम यह कहना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी, जिसने देश पर सबसे लंबे समय तक शासन किया और आचार्य विनोबा भावे के भूदान अभियान से उनके राजकीय जामाता के भूहड़प अभियान तक किसानों का पूरा मुस्तकबिल पलट दिया और फिर विदेश में रहकर ध्यान करने वाले और विदेश में जाके ज्ञान प्राप्त करने वाले श्री राहुल गांधी चुनावी मौसम में मौसमी हमदर्दी जताने के लिए आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में उपस्थित थे, खाट रैली कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अचानक अपने आप्त ज्ञान से अभिभूत होकर अनेक अनर्गल आरोप लगाना शुरू किया। जो लोग उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे उन्हें संभवतः ये पता होगा कि यदि कोई व्यक्ति उठे और अचानक कुछ अनर्गल बोलने लगे तो कहा जाता है कि भैया खरखटी खटी आप सोए रहो का, मतलब चुभने वाली खाट पे सो गए थे क्या। तो कुछ कुछ वैसा ही श्री राहुल गांधी जी के इस प्रकार के बयानों से प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि किसान जितना पैसा लगाते हैं उतना उनको नहीं प्राप्त होता है, इसीलिए मजबूरी में उन्हें मजदूरी और अन्य कार्य करने पड़ते हैं। बड़े गूढ़ तत्व की ज्ञान उन्हें 56 साल देश में हुकूमत करने के बाद प्राप्त हुआ। उन्होंने कुछ सब्जियों, दाल और आटे के भाव की भी बात की तो इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि आटे दाल का भाव भी अब उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। बिजली को लेकर, किसानों की बेरोजगारी को लेकर उन्होंने सबसे पहला समाधान यह सुझाया कि ऋण माफ करने चाहिए। ऋण माफ करने के संदर्भ में ही 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएजी की रिपोर्ट है, यानी यूपीए 1 के कार्यकाल के अंतिम वर्षों में 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला केवल किसानों की ऋण माफ करने के कार्य में तत्कालीन यूपीए 1 सरकार के द्वारा किया गया। उनकी सोच यह है, जैसा कि उन्होंने कहा कि साहब मनरेगा में हमने उनको साल में एक निश्चित समय का रोजगार प्रदान किया, उसमें भी क्या हुआ, कितना किसानों को मिला और कितना सरमाएदारों के जेबों में चला गया, ये देश की जनता से छुपा हुआ नहीं है। हमारी सोच और उनकी सोच में एक भारी अंतर है। उनकी सोच किसानों के बारे में, जहां जहां लंबे समय सत्ता में रह गए किसानों की जमीन का कोई ना कोई घोटाला जरूर उभर के सामने आ गया, चाहे उत्तर प्रदेश में राजीव गांधी ट्रस्ट के नाम पे आया हो, हिमाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर लगा हुआ जमीन घोटाला, उत्तराखंड का विषय हो, हरियाणा और राजस्थान के विषयों से तो हम सब वाकिफ हैं ही। महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार के समय तमाम परियोजनाओं के लिए किसानों की भूमि अधिग्रहण में जिस प्रकार के घोटाले हुए, चाहे केरल में उनकी सरकार रही और उस समय हुए घोटाले रहे हो, दूसरी तरफ जहां जहां हमें लंबे समय शासन करने का मौका मिला वहां कृषि विकास की दर कहां से कहां तक पहुंची वह गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से समझा जा सकता है। जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई तो 3.6% की कृषि विकास दर थी, जो एक दौर में हमने 19% तक पहुंचाई और 16-17% की स्थायी स्तर के ऊपर है।
खाद्यान्न सुरक्षा देने वाले हम पहले राज्य बने, छत्तीसगढ़ फिर मध्य प्रदेश। यहां तक कि जिस मनरेगा योजना में उनकी राज्य सरकारों में सिर्फ लूट और भ्रष्टाचार हुआ किसानों के हित के नाम पे, उसमें सबसे अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली एनडीए की सरकारें थी। तो राज्य सरकारों के स्तर पर बहुत स्पष्ट है कि क्या हमारी सोच थी और क्या उनकी सोच थी। केंद्र सरकार के स्तर पर हमारी सोच और उनकी सोच में एक मूलभूत अंतर है। वो कहते हैं किसान का ऋण माफ कर दो और उसको कुछ दिन के लिए रोजगार उपलब्ध करा दो। हमारी सोच ये है कि किसान के ऋण की शर्तें सरल से सरल करते चले जाओ। सबसे पहले हमारी राज्य सरकारें थी जिन्होंने कि कृषि आय पर ऋण की दर, कृषि ऋण पर ब्याज की दर घटाकर 8%, 4%, 2% और कुछ वर्षों के लिए 0% की। हम किसानों की वास्तविक क्षमता और शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हमने ऐसी फसल बीमा योजना लगाई जो देश के इतिहास में पहले नहीं आई थी। यानी फसल के बोने से पहले भी बीमा है और कटी हुई फसल जब खेत में पड़ी हो तो भी एक निश्चित समय तक वह बीमा की राशि से कवर्ड है। यानी खड़ी फसल और पड़ी फसल दोनों के ऊपर हमने किसान को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। उस विषय पे आप सभी लोग जानते हैं कि सहायक कृषि के लिए सबसे बड़ा बजट देने का मामला हो, कृषि सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना हो, मनरेगा को हमने एसेट क्रिएशन से जोड़ा। भाई इससे पहले लाखों करोड़ रुपए खर्च हो गए, वो गए कहां अगर आप उसकी भौतिक सत्यापन करना चाहें, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहें, तो देर वॉज नो सब्सटेंस और नो फैक्ट अवेलेबल। तो हम लोगों ने सभी गांवों में उस एसेट क्रिएशन को ज्यादातर सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाले एसेट्स से जोड़ा और अब उसका दुरुपयोग भी बंद हुआ और किसानों के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधाओं की भी वृद्धि हुई। परंपरागत कृषि योजना के कृषि विकास के साथ साथ हमने जितने भी नवीन प्रयोग हैं, चाहे सॉइल टेस्टिंग हो या हमारी परंपरागत जैविक कृषि हो, उन दोनों पर समान रूप से ध्यान देने का कार्य किया। नीम कोटेड यूरिया, जो कि प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान रहा है, उसने किसानों की यूरिया प्राप्ति की समस्या से काफी हद तक निजात दिलाई है और उसकी जो ब्लैक मार्केटिंग होती थी उस पर प्रभावी नियंत्रण हुआ है। मूल्यों को स्थिर करने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाया है और इसके अतिरिक्त जितना भी इलेक्ट्रॉनिक प्रयोग है, चाहे ई मंडी हो, मोबाइल गवर्नेंस हो, वो सब तो अपनी जगह है, मगर एक चीज मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप में से बहुत से लोगों के स्मृति पटल से वो अगर धूमिल हो रही हो, हमारी सरकार आने के बाद WTO की पहली समिट जिसमें किसानों के हितों के लिए पूर्ववर्ती सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर कुछ ऐसे समझौते कर आई थी जिसको कि जुलाई 2014 में जाकर भारत ने WTO में इंस्टॉल किया। हमने रोका, अंतर्राष्ट्रीय दबाव सहा, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना सही, यहां तक कि यह भी आरोप लगा कि भारत सरकार WTO के इस प्रोसेस को डीरेल कर रही है, मगर हमने भारत के किसानों के हितों पर कुठाराघात नहीं होने दिया और दृढ़ता के साथ हम उस पर खड़े रहे। अतः मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के लिए गांव की खेत से लेकर WTO जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली यह NDA सरकार जिस प्रकार से प्रतिबद्ध रही है और जिस प्रकार से प्रभावकता के साथ कार्य कर रही है, वह अपने आप में एक अद्वितीय और शानदार उदाहरण है। मगर श्री राहुल गांधी जी और उनकी कांग्रेस पार्टी आधी शताब्दी तक देश पे शासन करने के बाद भी किसानों के आंखों के आंसू सूख गए थे, मगर वो उनके अंदर के दर्द को पहचान नहीं पाए थे।
उनकी भूख और प्यास को जो समझ नहीं पाए वो आज आकर ये दावा करें तो ये आधारहीन और हास्यास्पद लगता है। जो कांग्रेस की नीति लंबे समय तक किसानों के लिए रही है वह पूरी तरीके से संवेदनहीन रही है और किसानों के दुख दर्द को पूरी तरह दरकिनार करने वाली रही है, जिसे एक पंक्ति में कहूंगा, फिर उन निराश नयनों को जिनके आंसू सूखे थे क्या उस प्रलय दशा को देखा जो चिरवंचित भूखे थे, अपने समय में याद नहीं आया। और आज मोदी सरकार के द्वारा किए जा रहे इतने शानदार कार्यों के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपनी पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टि से न देखना चाहे तो इसे सिर्फ उनका दृष्टि दोषी कहा जा सकता है। धन्यवाद। भाई देखिए, अब मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार के बयान और जिस प्रकार के क्रियाकलाप दूसरी पार्टियों से हो रहे हैं, अब आज राहुल गांधी जी को देख लीजिए। भाई आपने प्रधान मुख्यमंत्री का कैंडिडेट किसको घोषित कर रखा है? शीला दीक्षित जी को। यानी आपने क्या माना कि मेरे पिताजी के जमाने का जो नेता है वही सही है और उसी जमाने की नीति सही है? युवा नेतृत्व तो पूरी तरीके से निष्प्रभावी सिद्ध हो गया, फिर अचानक आप खाट लेके यहां पर आ गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहेंगे इनकोहेरेंसी, यानी सामंजस्य का अभाव दिख रहा है तो प्रतिपक्षी दलों में नजर आ रहा है। मायावती जी ने पहले अभियान की घोषणा की हमारे एक निष्कासित नेता वाले विषय को लेके, फिर अपना पूरा का पूरा अभियान विड्रॉ कर लिया। तो अगर आप देखें तो कार्यक्रमों में और बयानों में विपक्षी दलों में ज्यादा बदहवासी नजर आ रही है। देखिए, किसान का जो विषय है, कृषि का विषय, ये एक बहुत लंबा और गंभीर विषय है जिसका कि कोई तात्कालिक समाधान चंद महीनों में नहीं हो सकता। हमारी सरकार ने आने के बाद पूरी गंभीरता के साथ और पूरी दृढ़ता के साथ उसके ऊपर प्रयास किया। दुर्भाग्यवश पिछले लगातार दो वर्षों में मानसून कम रहा, देश के अधिकांश हिस्से सूखे से पीड़ित रहे और मार्च अप्रैल 2015 में अनपेक्षित रूप से भारी वर्षा हुई जिसने कि फसल को काफी नुकसान पहुंचाया। यदि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं रही होती तो अब तक हमने इसमें कहीं बेहतर और प्रभावी परिणाम प्रस्तुत कर दिए होते। अरे वो जिसके बारे में जो कांग्रेस करना चाहे करे, उसमें हमारे लिए कोई विचार का विषय नहीं है। शीला दीक्षित जी करें, राहुल गांधी जी करें या कोई उनके परिवार का व्यक्ति करे, उत्तर प्रदेश की जनता का मत एकदम स्पष्ट है कि कौन सरकार बनाने जा रहा है और कौन हैसियत बनाने जा रहा है। मुहावरा यह है कि अगर कोई व्यक्ति उठे सवेरे और अचानक कुछ अनर्गल बात करने लगे तो कहा जाता है कि का भैया खरखटी खटिया पे सोए के उठे हो का? मतलब खरखटी खटिया में चुभने वाली खटिया पे सोए थे क्या? गृह मंत्री ने क्या कहा है, सरकार ने क्या कहा है? जम्मू कश्मीर की समस्या गंभीर है पर सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सजगता के साथ निरंतर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री यहां सर्वदलीय बैठक ले चुके हैं, दोनों सदनों में कश्मीर पर बहस हो चुकी है। अभी अभी गृह मंत्री सर्वदलीय वहां प्रतिनिधिमंडल लेके वापस आए हैं और डेढ़ माह में गृह मंत्री के तीन दौरे हुए हैं और कल भी एक बैठक यहां सर्वदलीय होने वाली है और हमें उम्मीद है कि उसके हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।
नहीं, इन सारे विषयों पर सरकार अपना ध्यान रखती है और संवैधानिक, तकनीकी, वैधानिक सभी विषयों पर ध्यान में रख के निर्णय लेगी। देखिए, ये विषय पे न्यायालय ने सरकार का अभिमत मांगा है और सरकार का जो कानून विभाग है, लॉ मिनिस्ट्री है, वो इसके सभी संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पे विचार करके न्यायालय के समक्ष अपना विचार रखेगी।